So hey guys, good morning and welcome back to my channel. तो आज है दिवाली और दिवाली के शुभ अवसर पर इसलिए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काजू की बर्फी से, कुछ मीठे से। तो अभी मैंने उठा ब्रश व्रश करके अभी फ्रेश हुआ मैं, तो ये खा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो अभी का सीन ये है कि आज भी मेरे को जिम नहीं जाना क्योंकि मेरा प्रोटीन अभी तक आया नहीं है, इसीलिए सेल में मैंने मंगाया ना। मतलब सेल में आने मंगाने के बाद से इतना ज़्यादा देर से वो डिस्पैच हुआ ना, अब तक मेरे ख्याल से उसको आ जाना चाहिए था, वो कल या परसों तक आएगा। तो अब देखो कब तक आता है, मतलब कल आ जाना चाहिए मैक्सिमम, इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। फिर अभी छठ आ जाएगा, छठ पे जिम नहीं जा पाऊँगा, छठ फिर के बाद से मेरे को एडमिशन कर रहा है। टेंशन यार, मतलब मैं जब भी सोचता हूँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का ना, तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि मैं जिम छूटने लगता है। तो अभी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने सोचा कि आज भी आया गया था, आज मैं जिम चला जाता, दिवाली में जिम जाना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज आप लेते हो उसका बर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिलहाल अभी वो सबकी चिंता छोड़ते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। वैसे भी इस बार दिवाली में मेरे घर ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं आने वाली हैं, तो वो पर्सनल रीज़न की वजह से, तो जो आई हैं उसके उसी से एंजॉय करते हैं उसको दिवाली को। दिवाली में और कुछ आया पसंद हो चाहे ना हो, बस खाना पीना पसंद है मेरे को, क्योंकि खाने पीने को अलग अलग तरीके का बढ़िया बढ़िया तरीके का खाने पीने को मिलता है, बस वही चाहिए। अभी बजने वाला है सुबह के 8 और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट के लिए दिवाली की जो सारी खरीदारी होती है, पूजा वूजा का सामान और फूल वगैरह फल वगैरह ये सब अभी खरीदने में जा रहा है, क्योंकि कल शॉपिंग हुई थी, डैडी को आज ही टाइम मिलता था। आज सुबह हम लोग अभी जा रहा है बाजार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अभी हम लोग की सवारी है ये प्लेजर, प्लेजर स्कूटर, प्लेजर प्लस, जो इसकी वीडियो मेरे हम लोग के चैनल पर है पहले से, इसको मैंने टेस्ट राइड वगैरह सब कुछ किया था इसका, तो उसकी वीडियो पहले से है। BS6 है वैसे ये, काफ़ी अच्छी माइलेज सब कुछ अच्छी है इसका। इसी से जाने वाले हैं अभी हम लोग मार्केट, और मार्केट जाकर सारे सामान वामान खरीद के लेकर आएंगे। और इस बार हम लोग की मिठाइयाँ कुछ कम होंगी, मिठाई ज़्यादा नहीं खरीदने वाला हम लोग, इस बार फल वगैरह खा खरीद लेंगे लोग, लेकिन मिठाई हाँ मिठाई बस, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो फूल तो हम लोगों ने ले लिया, अभी ले रहे हैं डैडी फल, पीछे फल ले रहे हैं, केला ले लिया, सेब ले रहे हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे जो जो कपड़े होते हैं जो मूर्ति को लगाने, जो बिस्तर उस्तर होता है वो तो हम लोगों ने कल ही धनतेरस के दिन मम्मी ने ले लिया था, हर साल डैडी लेते हैं, लेकिन इस साल मम्मी ने ले लिया था, तो इस साल डैडी का काम कम हो गया। इस बार हम लोग कुछ नहीं लेना, बस फल वगैरह लेना है और पूजा के लिए फूल, और जो पूजा के लिए सामान वगैरह यूज़ होता है बस वो। बाकी जो सामान था वो सारे ले चुके थे हम लोग, अब लास्ट में एक बचा हुआ था पटाखा वाला कैटेगरी में, तो पटाखा हम लोग को ज़्यादा लेना नहीं था क्योंकि ज़्यादा पटाखा हम जलाते नहीं है, बस नाम के लिए शुभ करने के लिए छुरछुरी और एक बंडल बम वगैरह ले लेंगे। और यहाँ पर लगा हुआ पूरा पटाखा का मेला यहाँ पे। रात को ये ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग होती है। तो कागज का क्या क्या ले रहा है? एक बंडल बम लिया गया और छुरछुरी, वैसे भी कोई जलाएगा नहीं ज़्यादा। थोड़ा सा छोटा है उनका, बड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा बड़ा है। तीन आइटम है, हाँ 125 रुपये। अभी मैं आया हुआ था मंदिर पे, गणेश भगवान के मंदिर पर प्रसाद मतलब पूजा करने के लिए, पीछे है मंदिर, ये मंदिर है पीछे। तो यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर आने के बाद से एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, तो बताता हूँ हुआ। तो देखो मैं यहाँ बाइक खड़ा करके अंदर गया पूजा करने के लिए, यहाँ बाइक खड़ा कर गया मैं, जब तक मैं पूजा करके अंदर से बाहर आया तब तक यहाँ पे किसी कौवे ने या फिर किसने पता नहीं किसने पॉटी कर दी थी यहाँ पे। अब इस देखो भीगा भीगा थोड़ा तो लग रहा है ना, वो तो अच्छा वहाँ पे पानी के टूटी थी, तो उसके वजह से मैंने यहाँ साफ़ कर दिया इसको, कपड़ा भी रखा हुआ था डिग्गी में,
ये साफ हो गया अपना, वरना तो अपना बहुत बड़ा वाला पोपट हो चुका था, मतलब समझ लो हो ही गया था, बस वो संभाल लिया मैंने कैसे भी करके, मतलब देख के मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना कसम से बता रहा हूँ अचानक से। तो फाइनली मंदिर वंदिर काम तो हो चुका है, पूजा वजह सब कुछ हो चुका है, अब भी फाइनली 11 बज चुके हैं और अब जाके मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैंने बस खाना में रोटी सब्जी दाल और साथ में है ब्लॉग, फ़ोन में मैं ब्लॉग देख देख कर खाना खाता हूँ। अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बात करते हैं आपसे। तो काफ़ी ज़्यादा थकान, मतलब एक तो वो हुई ना जो बस मेरे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, फिर भी समझ सकते आप क्यों, बहुत लोग होंगे मेरे तरह जो वो सब तो छोड़ हटा हो, उसी बात ही नहीं करूँगा मैं। तो खाना खाते हैं अभी और खा के बात करते हैं। तो मेरा तो खाना पीना खा के हो चुका है और बस एक काम बचा हो जाकर आराम करना है, क्योंकि अभी इधर चलने वाले साफ़ सफाई देखो बिस्तर पूरा सामान फेंका हुआ है, तो इधर साफ़ सफाई चलेगी तो मेरे कुछ करना नहीं होता इसमें। हर दिवाली मेरा यही काम होता है, मैं जाकर सो जाता हूँ अपने रूम में, तभी जाऊँगा तो मैं आराम करूँगा। और एक पार्सल आने का इंतजार है, उसका इंतजार कर रहा हूँ, पार्सल आ जाए तो मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा कम होगा। एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब बस अंदर से एक होता है ना कि हाँ कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, वो चीज़ आने वाला नहीं, वो एक बार आ चुका है, उसको वजह से ख़राब हुआ, मैंने उसको रिप्लेस पर डाला तो आज फिर से आ रहा है, तो आएगा तो आपको दिखाएंगे क्या चीज़ है वो। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने रूम में और आराम करते हैं, थोड़ा खाना वाना खा लिया मस्त सोएंगे थोड़ा आराम से। तो अभी मैं सो ही रहा था, मतलब 12 बज चुके हैं और अभी मैं आराम ही कर रहा था अपना, आराम करते करते अपना पार्सल भी आ गया, तो ये था अपना पार्सल, फिर से करते हैं ओपन, बताते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर है ईयरफोन, बोल्ट के ईयरफोन मैंने ऑर्डर किए थे, इसके पहले बोल्ट के ईयरफोन आ चुके थे, इसके आने के बाद ये दूसरा मेरा रिप्लेसमेंट है। ये कब का है, सितंबर, ये फ्रेश पीस है, सितंबर 2021 का है, तो ये फ्रेश पीस लग रहा है। वो मेरे को डाउट भी हो रहा था उस पर, ये डबल स्टिकर चिपका हुआ था उस पर फिर मैं सोचा था अच्छा चलो होगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था उसका, कभी ऑडियो जैक नहीं शो हो रहा था, कभी ऑडियो जैक सपोर्ट नहीं कर रहा था, कभी उसका माइक ख़राब हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस पर डाल दिया था। अभी अपना नया आ चुका है, ये सितंबर 2021 का ही बना हुआ है, तो ये फ्रेश पीस होगा। वैसे बोल्ट के ईयरफोन्स मेरा हुआ क्या ना, मेरा मीवी कॉलर ख़राब हो चुका है और मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ये अपने ये फिलिप्स के ईयरफोन, ये मेरे कान में लगाने में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ये गोल गोल वाला था, मेरे को आदत हो गया इन ईयरबड्स लगाने के लिए, तो और ये जो है ये कान में चुभते हैं गोल वाले, इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि इस बार वायरलेस नहीं मंगाता। और जो अपना मीवी का डुओ पॉड था वो भी ख़राब हो चुका है, वो मैंने अपनी बहन को दे दिया था बट वो भी ख़राब हो चुका है, वो ख़राब हो गया अपना पानी में पड़ गया उसकी वजह से। सबसे बेस्ट पार्टी से क्या है ना, इसका कलर जो है ना बहुत मस्त कलर, ये ब्लैक में है, ब्लैक और ग्रे में है ये, और इसके नहीं तो इसका रेड और ब्लू कलर का भी है, लेकिन वो मेरे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था वो, बट ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, जब भी ये स्टॉक में आ रहा था ना तो बस ये लिख रहा था ओनली फ्यू लेफ्ट। तो मैंने इसको ऑर्डर किया सेल में, तो अब बहुत अच्छे प्राइस में मेरे को ये मिला, इसलिए मैंने मंगा लिया, तो अपने बस ईयरफोन ख़राब हो चुका था तो अब थोड़ा अच्छा है, तो ये सपोर्ट हो गया इसमें, ऊपर साइन आ रहा होगा, अब ISO ज़्यादा उसकी वजह से नहीं दिखा पा रहा मैं जो कान में लगाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना इसका, ये जो स्नग फिट इसमें दिया है ना, कान में अच्छे तरीके से ये बैठ जाता है, देखो कान में आपका सेप ले लेगा ये कान का, और आराम से इसको कान में लगा सकते हो, देखो आराम से। अभी इसको सुनते हैं, मजे करते हैं, आपसे बाद में बात करते हैं आपसे। तो अपना फिर से हो चुका है वो बट, अपना जो हम लोगों ने ईयरफोन मंगाया था वो फिर से हो चुका है ख़राब, मतलब ख़राब ही आ चुका है। मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, ऑडियो अच्छा आ रहा है बट रिकॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा है, इसका माइक ख़राब है, माइक में कुछ गज़ गज़ टाइप की आवाज़ आ रही है, तो इसको मैं वापस कर दूँगा और इस बार मैं रिफ़ंड ही ले लूँगा। दो बार मतलब दूसरी बार ये मैंने मंगा लिया, दूसरी बार ये ख़राब निकल गया, तो इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ मैं इस बार रिफ़ंड ही ले लूँगा, साफ बात ख़त्म। और उसके जगह पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एम्ब्रेन का, ये नॉर्मल सा ईयरफोन है, ये इसी को यूज़ करेंगे, काम चलेगा उसके बाद में, थोड़ा अच्छा वाला से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के एक ही बार में अच्छा वाला, फिर से मीवी वी कुछ अच्छा वाला ले लेंगे जो कि आराम से जाएगा अच्छे से, तो उसको चलाएंगे अच्छे से। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं वीडियो एडिट करने, क्योंकि डेली ब्लॉग चल रहा है ना, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, तो जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, उसको वीडियो एडिट करूँगा ताकि शाम 6 बजे तक पब्लिक कर दूँ उसको। तो फिलहाल का ये सीन ये है कि मेरे ना रहते भर में मम्मी ने वो शुभ दीपावली चिपका दिया वहाँ पर, और वो स्टिकर हम लोग खरीद के लगाए थे, इस बार ऐसे ही मन हुआ, हर साल नहीं लगाते हैं बट इस साल स्टिकर लगाने का मन हुआ, तो लेते हैं। और यहाँ पर रंगोली भी बन चुकी है घर में, ये रंगोली बन चुकी है, अब यहाँ पर लाइट कम है उसको वैसे ऐसा दिख रहा है, वरना रंगोली अच्छी बनी है वैसे, तो रंगोली बन चुकी है, आगे भी रंगोली बन चुकी है, अभी चल के दिखाऊंगा मैं। फिलहाल अभी से अपना काम कर रहा था, अब काम खत्म हुआ था, अभी चलेंगे आगे, देख के आते हैं आगे कैसे रंगोली बनी है।
काहे की रंगोली कुछ ऐसी बनी है अभी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसमें क्योंकि ये अबीर से बनी हुई है। मैं गया था रंगोली वाला खरीद के लाने के लिए जो बॉर्डर आता है स्पेशली, वो मिला नहीं तो उस वजह से अबीर के बने हुए थोड़ा इधर उधर हो गया। और एक यहाँ पे मेन दरवाजे पे बनी हुई है ये रंगोली थोड़ी ठीक बनी है और यहाँ पे शुभ लाभ का लगा हुआ। तो अगर मैं दिवाली जो रंगोली बनाने वाला प्रॉपर जो सेट आता है ना जिसमें वो पाउडर होता है वो लेकर के आता ना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता रंगोली, क्योंकि उससे बैठता है हाथ से वो अच्छे से गिरा जाता है, ये थोड़ा फिसलता है ना, अगर अभी रोता है तो फिसलता है तो उसकी वजह से अच्छे से बन नहीं पाता है। फिर भी ठीक है, चलो काम चलाओ, बन गया शुभ होता है रंगोली बनाना, रंगोली बन गया मन रखने के लिए। आज डैडी कर रहा है बहुत ज़्यादा लेट, आज पूजा का टाइम कितना बजे से था मम्मी? 8 बजे तक है, अभी 7:05 हो चुका, डैडी अभी तक आया नहीं, अभी तक फिर डैडी का इंतजार कर, मम्मी 7:30 बोल कर रखी है 7:30 बजे तक आ जाना ताकि डैडी थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन अभी तक 7:30 को बोला गया तब भी डैडी अभी 7:00 7:05 हो गया तब भी अभी तक आया नहीं, डैडी कर रहा बहुत लेट। मम्मी ने अभी तक बहुत कुछ बना लिया, क्या क्या बना लिया मम्मी अभी तक? अभी पूरी सामने दिखाई दे रहा है, खीर बन गया पूरी बन गया, सब्जी बन गया, और सब्जी पनीर का सब्जी बन गया, चावल बन गया करी बन गया, और अब बड़ी बन रहा है, अब झूरी बाकी है और पकौड़े वगैरह बाकी है, झूरी पकौड़े वो सब बचे हुआ, वो तो गरम खाने वाला है तो पूजा करने के बाद ही खा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आलू वगैरह काट के बन, इसको अगर मराठी में गए तो इसको बटाटा वड़ा करते हैं तो वो बनेगा, तो उसके लिए अभी टाइम है तब तक पूजा नहीं हो जाएगा, तब तक इसीलिए हम लोगों ने कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं किया। अब डैडी आ जाएंगे तो हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। भूख लग हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मतलब कैसे कंट्रोल करा, मैं सो रहा था तभी से, अभी भी जाकर मैं सोऊंगा। तो अभी डैडी आ चुके हैं, सबको रेडी हो चुका है, वहाँ डैडी पूजा की तैयारी कर रहा है और सबको रेडी हो चुका है, अभी जा रहा है पूजा करने के लिए। और लाइट का सेटअप मैंने कर दिया, मस्त एक्सटेंशन जोड़ कर लाइट लगा दिया वहाँ पर ताकि यहाँ पूजा हो रही है वहाँ पर लाइट आए, अभी वहाँ पर लाइट जलाओ, पूजा शुरू करते हैं और फटाफट, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फटाफट पूजा होगी फटाफट खाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये दीप जलाना, तो दीप जला दिया गया है, बस आरती बचा हुआ अभी, और बस अब सारे घर में दीप जलाना है, सारे रूम में सारे दरवाजों पे दीप जला देना, उसके बाद से अपना खा सकते हैं जो भी मन करे खाने को, इतनी सारी मिठाइयाँ, फिर भी पिछले साल से सर कम मिठाइयाँ हैं लेकिन खा सकते हैं। तो अभी पूजा ख़त्म हो चुकी है और मम्मी और मेरी बहन गए हुए हैं मंदिर पर पूजा करने के लिए, वो लोग आएंगे उसके बाद से हम लोग पकौड़े वगैरह तले जाएंगे। 9 बज चुके हैं, मतलब सबके घर जिस समय तक सब कोई खा पी लिया रहता है उस समय तक हमारे घर पूजा कंप्लीट हुई है, तभी वो लोग आएंगे तब खाते, तभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस एक लड्डू खाया मैंने और अभी और मिठाइयाँ खाऊंगा मैं, अब मिठाइयाँ खा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूजा वजा हो चुका, पटाखे लोग फोड़ना स्टार्ट कर चुका, मैं लेके आया था एक बंडल बम फोड़ूंगा या फिर नहीं फोड़ूंगा मेरे को पता नहीं था, जल्दी फोड़ता नहीं मैं। और सबके घरों में लगी हुई है लाइट, सबके घर में, हम लोग घर में मोमबत्ती, क्योंकि ये अपना घर है नहीं हम लोग का, अगर अपना घर होता तो हम लोग लाइट लगाते, बट ये अपना घर नहीं है तो अब बीच में बस हम लोग जाते हैं ना तो इतना सजा देते हैं लोग तो बहुत। तो मम्मी पूजा करके आ चुकी है, मम्मी जल्दी पकौड़ी खाओ जल्दी, हाँ जल्दी हम सब मिठाई में से खा सकते हैं, हाँ एक लड्डू ले खाए, एक लड्डू खाए अभी तक, अभी का एक बर्फी खाएंगे, चीनी कम है, चीनी कम है, हो गया चीनी कम अच्छा लग रहा है, तो फाइनली अब मम्मी जा रही है पकौड़े खाने के लिए, भूख बहुत ज़्यादा तेज लगती है, 2-3 मिठाइयाँ खा ली मैंने तभी से फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, फोटोज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मम्मी किस किस चीज़ का पकौड़े बनने जा रहा है अभी? बेटा प्याज तो रख दिया, सुबह बनाएंगे। हाँ
केला के आलू का बनाएंगे, केला और आलू मिर्चा बस। वैसे भी कोई ज्यादा पकौड़ी खाता नहीं है। नहीं, समय कोई खाएगा नहीं, बहुत ज्यादा बन गया है। अभी खाना भी है, फिर ऑयली पूरी भी है खाने के लिए। हाँ। भी तो उतना ऑयली कोई खाने वाला है नहीं, तब सुबह ही बनेगा। और अभी हम लोग बस कैंडल जलाना है, वो रात को हम लोग जलाएंगे छत पे जाके। तभी हम लोग आए हुए हैं छत पे कैंडल जलाने के लिए। तो यहाँ पे अपना कैंडल आया हुआ है, आराम से निकालेगा रेडी, देख देख के उसे फूकिए, उसमें उधर से उसमें से फूकिए। इसको दो आदमी को करना पड़ेगा। दो, ये तो फोन दे दो। पकड़ दे इसको खूब बढ़िया से, इसमें गैस बनने दे। अपने आप ये प्रेशर बनाएगा आपके हाथ उड़ने के लिए। उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, चला जा। नहीं जी, उड़ गया। फाइनली इस बार उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, इस बार उड़ गया। हम बोल रहे इस साल उड़ेगा तो मतलब उड़ेगा। तो फाइनली इस बार हम लोग कैंडल उड़ गया। दो साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे उड़ाने के लिए, नहीं उड़ रहा था। पिछली साल मैंने क्या किया था ना, किसी और ने उड़ाया था, मैंने फिर उसको वीडियो कट करके उसमें जोड़ दिया था कि मम्मी लोग का उड़ गया। लेकिन हम लोग का उड़ा नहीं था उस साल भी, दो साल से हम लोग नहीं उड़ा था। इस बार मैंने सोचा था कि उसको उड़ के रहेगा कैसे भी, और इस बार उड़ा भी। तो फाइनली अभी टाइम हो चुका है खाना वाना खाने का, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया हमने, और रात को बज चुका अभी 10। तो अभी खाना खाने में बैठे हुए हैं। खाना में बस पूड़ी, सब्जी, पनीर की और पकौड़ी वगैरह, और कढ़ी और चावल भी है, तो वो बाद में लेंगे किसी को खाने के बाद। पटाखे फूट रहे बाहर, पटाखे मैंने अभी तक नहीं फोड़े हैं, पटाखे मैं फोड़ूंगा खाना वाना खाने के बाद, एक दो पटाखा फोड़ूंगा, नहीं तो बजा के लेके चला जाऊंगा छठ में। मैं अपने गांव लेकर फोड़ूंगा। तो बस इसके बाद मैं सो गया, और सोने के बाद आज दूसरा दिन। तो आज मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, मैंने ब्लॉग भी नहीं एंड कर पाया, इतना थक गया था, मेरे को मन ही नहीं रहा था कुछ भी करने की। 11 बज गया था सोते सोते। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।